एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो. होप यू गाइज आर डूइंग वेल. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव ऑन द प्रीवियस वीडियो. आई एम सो ग्रेटफुल. एंड ऐसे ही कीप वॉचिंग माई ब्लॉग. एंड सो या लेट्स बिगिन द ब्लॉग. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट यू लाइक द वीडियो. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल. सो या लेट्स बिगिन. गुड मॉर्निंग गाइज. सो जग गए हैं और सबसे पहला काम करेंगे. आप लोगों को टाइम दिखा दे रहे हैं कि क्या टाइम हो रहा है. सो टाइम हो गया है 3:19. तो 3 ही बजे से जग रही हूँ बट उठते उठते 3:19 हो गया. और लाइट ऑन करते हैं रूम का क्योंकि ये टेबल लाइट का उजाला है. सो लाइट ऑन कर दिया. अब चलते हैं बाहर क्योंकि मैं जैसे उठती हूँ मुझे बाहर जाना होता है, मतलब छत पर जाना होता है थोड़ा सा वॉक करने के लिए. तो हियर इज़ द मून जो मैं आप लोगों को हमेशा दिखाती हूँ. और अब मैं अंदर आ गई हूँ और सबसे पहले अपना टेबल साफ़ कर रही हूँ बिकॉज पढ़ना है तो सबसे पहले टेबल क्लीन करना पड़ेगा. और लाइट का सीन हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है बिकॉज़ वो रात में जाती है और 4 या 5, 6 तक आती है. तो उठ गई हूँ 3 ही बजे तो ठंडा ही पानी पीना पड़ेगा. फिर पानी पी के आज अपना पहला स्लॉट लगाएंगे. तो पहला स्लॉट मुझे करना है मॉडर्न हिस्ट्री का. तो ये बुक भी तमिलनाडु बोर्ड की है और बहुत अच्छी है. आप लोग भी कर सकते हो. कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्या करें हिस्ट्री के लिए. तो 11th 12th की तमिलनाडु बोर्ड ज़रूर पढ़ लेना, बहुत सही है, बहुत अच्छी है. तो बेसिकली इस बुक में भी कहानी वहीं से शुरू होती है. एज यूजुअल मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट हुई है दैट ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्टेबलाइज्ड हुई थी 31 दिसंबर 1600 पे. रॉयल चार्टर इशू किया गया था क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ वन के द्वारा. एंड सबसे पहले वहाँ से कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार में भेजे गए थे. तो हम ये फैक्ट याद कर सकते हैं कि हॉकिंस कुकर हमारे यहाँ मिलता है. सो वहाँ से याद कर सकते हैं. एंड अभी मैंने 4 लेसन कर लिए हैं और लगभग टाइम होने वाला है 5 बजने वाले हैं और लाइट आ गई है. तो पहले मैं अब जाती हूँ, थोड़ा सा ब्रश करूँगी और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद बैठ के योगा करूँगी, पानी पीऊँगी एंड देन फिर टेस्ट दूंगी और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करूँगी. सो हेयर इज़ माई ब्रश एंड टंग क्लीनर. और पानी रख दिया है गर्म होने के लिए. ब्रश करने के बाद हम मैजिक करते हैं पानी डालने के लिए, बट आई डोंट हैव एनी मैजिक तो पानी खुद से ही डाल रही हूँ. सो पानी लेके आ गए हैं रूम में. तो मैं ऑल सेट योगा करने के लिए. तो मैं योगा करने के पहले ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ बिकॉज उससे फिर योगा सही से नहीं कर पाते क्योंकि पेट भर जाता है. तो योगा करने के बाद मैं जो मैक्सिमम वाटर, मतलब 1 ग्लास आधा 1 ग्लास जो भी मुझे पानी पीना होता है मैं योगा करने के बाद पीती हूँ. तो मैंने योगा कर लिया है बट अब सबसे पहले बनाऊंगी मैं चाय क्योंकि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है. तो ये है चाय, मैंने बनाते हुए आप लोगों को नहीं दिखाया. तो चाय पीते पीते 1-2 पेज अगर पढ़ ले रही हूँ मैं, उसके बाद टेस्ट करूँगी बिकॉज मैं चाहती हूँ पूरा फेल लेने का कि चाय पीते हुए टेस्ट करने का मतलब नहीं है. तो फिर क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर में हमें चाय और टेस्ट पेपर साथ में नहीं मिलता. सो ये है टेस्ट पेपर, ये मुझे करना था क्योंकि मैं अभी अभी आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो मैं एंशियंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर ख़त्म की हूँ. तो उसी का टेस्ट कर रहा है. सबसे पहले मैंने टाइमर लगा दिया कि लेट्स सी कितने टाइम में कर पाते हैं. वैसे मेरे पास अभी OMR सीट नहीं है लेकिन फिर भी तो 38 मिनट हो गए हैं और मैंने ये बुकलेट कर लिया है. तो इसमें क्वेश्चन सही थे, मतलब अभी तो ये तो मतलब ठीक थे. और मैंने शायद 10-15 क्वेश्चन छोड़ा भी है. लेट्स काउंट कि मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं. आई एम शोइंग यू गाइस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो मैंने इसमें कुल मिला के 14 क्वेश्चन छोड़े हैं. और कुछ तो करंट अफेयर्स के थे 2-3, वो मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने वो छोड़ दिए. और अब बाहर आई हूँ एंड सी द व्यू. अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, मतलब सनराइज पूरी तरीके से नहीं हुआ है एंड मून वहाँ पे है जैसे आप लोग देख सकते हो. सो ये मेरे घर के आसपास का व्यू है और ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, लिटरली बहुत सुंदर लगता है. सो मैं वापस आ गई हूँ और अब टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं. 6:40 टाइम हो गया है.
तो अभी मैं ये सॉल्व ही कर रही थी कि मम्मी चाय बनानी है, तो मैं चाय पीने जा रही हूँ फिर से दोबारा। तो चाय लेके मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पे सनराइज़ हो गया था। आई थॉट आप लोगों को भी दिखा दूँ एंड सी द व्यू, मतलब ये बहुत अच्छा है। मतलब आई फील समटाइम्स जब मुझे बहुत ऐसा बुरा लगता है ना, तो मैं यहाँ आती हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं लिटरली अपने हर ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये व्यू दिखाती हूँ। सो इट्स बीन 8:12, और अब मैंने ये बुकलेट पूरा सॉल्व कर लिया है, इसका एक एक आंसर सॉल्व कर लिया है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग जितना भी टेस्ट दो उसको, उसके सॉल्व जो पेपर सॉल्व, मतलब टेस्ट कैसा भी गया हो आप लोगों का, पेपर सॉल्व सही से करना पड़ेगा, उसमें जितना टाइम हो सके आप दो। एंड मैं मॉडर्न कर ही रही थी, तो मैंने सोचा था कि जब मैं अपनी दोपहर की सिटिंग लगाऊंगी तब मुझे स्पेक्ट्रम करना है। आई नो ख़त्म नहीं होगा इतनी देर में, बट मैं लेके इसको आ रही थी कि मम्मी बोली अपना मिल्क लेके जाओ, तो मैं लेके छत पे आ गई। और छत पे अच्छी धूप हुई है, तो छत पे बैठ के मैं अपना काम कर रही हूँ। सो मैं पढ़ रही हूँ जो, तो मुझसे मुझे गाइज आज के टाइम में ना ये समझ में आ रहा है कि, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे समझ में आने लगी है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। पता है, सब मुझे लगता है कि एक मिरर कॉन्सेप्ट है, कि मिरर के उस तरफ हमें जो चीज़ें दिख रही होती हैं उसकी सेम अपोजिट सामने, मिरर के सामने वाले बंदे को वो चीज़ें दिख रही होगी। लाइक मेरे लिए कुछ गलत हो सकता है तो वो सामने वाले के लिए सही हो सकता है। सो वी शुड नॉट जज एनी बडी, मतलब हम जज करने वाले कोई नहीं होते। लाइक जो तमिलनाडु बुक बोर्ड की बुक मैं पढ़ रही हूँ, इसमें बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ दिया गया, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में दिया गया है। तो मतलब इसमें ब्रिटिशर्स के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बता के, बट यू नो वॉट, कि हमारे लिए तो वो डेफिनेटली गलत कर रहे थे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सही कर रहे थे ना। वो यहाँ पे वेल्थ अक्यूमुलेट करने ही तो आए थे क्या? वो यहाँ पे मर्सी दिखाने और ये सब एजेंडा लेके नहीं आए थे? तो वो वही कर रहे थे। सो अभी मैं वापस आ गई हूँ, और ये छोटू ब्लैंकेट मेरा फेवरेट है, मैंने इसको इस बार इसीलिए खरीदा था। और जो मेरा फेवरेट होता है उसको मैं अपने साथ साथ लेके चलती हूँ। तो अभी टाइम हो गया 9:42, एंड एज यूजुअल आप लोग अगर जानते होगे मेरे को तो जानते होगे कि 9 to 11 मेरा न्यूज़पेपर का टाइम रहता है। सो अभी 9:42 हो गए हैं, एंड मैं लिसन 9 पलैयकर रिवेलियन करना था मुझे, बट मैं अब वो नहीं कर रही हूँ। सो अब मैं जाती हूँ न्यूज़पेपर करने, और बिकॉज आई कांट रिकॉर्ड वो दैट सेगमेंट, मैं आप लोगों को नहीं रिकॉर्ड करके दिखा सकती बिकॉज मुझे फ़ोन से ही करना है, और फ़ोन से करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज बहुत छोटा, मतलब दिखने में बहुत छोटा है ये वो, बट स्टिल। लेकिन हमारे लिए वही है ना, जहाँ चाय है वही वहाँ राय है, वी कांट एक्सक्यूज। सो आई विल सी यू गाइज आफ्टर सम टाइम। सो हेयर इज़ द न्यूज़पेपर नोट्स। तो इस टाइम मैं न्यूज़पेपर का नोट्स बहुत मिनिएचर फॉर्म में बना रही हूँ बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है उसको देने के लिए, और वैसे भी मैगजीन में तो सारे टॉपिक की डिटेलिंग रहती है। तो आज के न्यूज़पेपर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि निसार के बारे में आप लोग देख लेना, बिकॉज टर्की में अर्थक्वेक आया है तो निसार के बारे में मे भी कुछ पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। और अभी मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है, सब कुछ एकदम सही से लगा दिया है एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एंड दिस इज माई ड्रेस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट सार। सो हियर आई एम, एंड दिस इज माई लंच। और लंच करके तो मैं वापस आ गई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 1:21। सो एज आई प्रोमिस कि मैं अपनी दोपहर वाली सेटिंग में स्पेक्ट्रम पढ़ूंगी। सो हेयर इज माई स्पेक्ट्रम बुक। तो मैं इसको अभी जल्दी रीड करी थी, बट स्टिल मतलब जैसा कि मैंने जब से प्रीलिम्स का प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने सोचा कि मैंने समझ लो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सो या दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। और होता है ना कि हमारा करंट कितना भी तैयार हो, हमारा सब कुछ कितना भी तैयार हो, बट हमें एक्चुअल में सबसे ज़्यादा पकड़ सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन पे होना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन इज काइंड ऑफ न्यू, अगर वो नहीं तैयार है तो हमें करंट कितना भी पता हो हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेगी। इस वजह से स्टैटिक पोर्शन आप लोग अपना एकदम मजबूत कर लो, तभी आप लोग एग्जाम में बैठना। और जितने भी चार्टर एक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं, जितने भी रिफॉर्म है, वो सब तो हमारा तैयार ही होना चाहिए बिकॉज अभी देखो 19 में भी
वोट से डिस्पैच से क्वेश्चन आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से क्वेश्चन आया था, और वेलेजली ने कैलकटा में जो है कॉलेज बनाया था, विलियम कॉलेज बनाया था, वहाँ से क्वेश्चन आया था। सो एवरीथिंग, मतलब एक एक लाइन हमको ध्यान से लर्न करनी होगी, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री से यहीं से क्वेश्चन आता है। और चूंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो रूम में अंधेरा टाइप का रहता है, तो वहाँ पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है। इस वजह से मैं कभी रूम में तो कभी घर के बाहर तो कभी रूम में ऐसे करती रहती हूँ। मतलब पोजीशन चेंज करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा माइंड भी चेंज हो जाता है, लगता नहीं कि मैं इतनी देर से पढ़ रही हूँ, तो मैं बाहर आके फिर बैठ के पढ़ती हूँ। और मुझे बाहर वैसे बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होगे तो जानते होगे कि मुझे नेचर से कितना लगाव है, तो मैं अक्सर बाहर बैठ के पढ़ती हूँ। मुझे खुले आसमान के नीचे रहना बहुत पसंद है। तो पढ़ते पढ़ते मुझे सिचुएशन हो ही रहा था कि मैंने देखा कि कुछ पक्षी आके मेरे फल को तोड़ रहे थे, मतलब अमरूद तोड़ रहे थे। तो आई थॉट जब ये खा रहे हो तो मैं क्यों ना खाऊं, फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी जाती हूँ और लेके आती हूँ। सो बहुत मेहनत करने के बाद, बिकॉज मेरी हाइट छोटी है, आई गॉट दिस। एंड इफ यू गाइज विल सब्सक्राइब, आई विल सेंड यू वन वन अमरूद टू ऑल ऑफ यू। सो सी, सो अभी हो गए हैं इवनिंग के 4, एंड नाउ आई एम टेकिंग ब्रेक ऑफ 1 आवर। सो 5:10 हो गए हैं और मैं लेके आई हूँ मैगी, एंड दिस इज सूपी मैगी। और आजकल मैं जितना सोच रही हूँ कि मैगी ना खाऊं, उतना ही ज़्यादा मैं मैगी खा रही हूँ। और मेरे पास 4 पैकेट्स रिमेन है, इसको ख़त्म करने के बाद मैं मैगी नहीं लेके आऊँगी, आई प्रॉमिस। सो मैगी में एक्चुअली पानी ज़्यादा हो गया, तो ये सूपी मैगी होगी। भाई मैगी में कुछ भी ज़्यादा हो जाता है तो वही मैगी बन जाती है। यहाँ भी डेमोक्रेसी है, मेजोरिटी रूल्स। सो मैं अब मैगी खाऊंगी और अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। सो या एंड नाउ आई एम डूइंग सोसाइटल सेटअप फ्रॉम लेसन 4। लेसन 4 मतलब लेसन बोलने पे मुझे बचपन की याद आ जाती है। और अभी टाइम हो रहा है 6:03, तो मैं पानी लेने गई थी बाहर, तो पानी लेके आई और कुछ खाने के लिए भी लाई हूँ। एज यू गाइस कैन सी हेयर इट इज। सो खाएंगे और अपना आगे का कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ यू गाइज आर स्टिल हेयर देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इस टाइम PYQ रिवाइज कर रही हूँ, PYQ अच्छे से कर रही हूँ, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट वाइज मतलब टॉपिक वाइज PYQs देख रही हूँ। तो अभी बस गए थे 8 और मुझे मिल गया था मेरा डिनर, और डिनर में आया था कढ़ाई पनीर और चूल्हे पर की रोटी, बिकॉज हमारे यहाँ गैस खत्म हो गया है और गांव में चूल्हा भी जलता है। सो 9:06 हो गए हैं और मैं वापस आ गई हूँ। तो वापस हम जहाँ पे छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो एंड मैं आप लोगों को ये दिखा के ये बताना चाहती हूँ कि द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग, मतलब हम लोगों ने मून से स्टार्ट किया था और मून पे ही खत्म करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।